देखो प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में देखो, किसने बनाया था, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने, और वेक्टर कौन सा यूज हुआ था, प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, और होस्ट क्या था, इसर्शिया कोलाई, ठीक है। अब हम बायोटेक में है ना, हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपने को बनाना है तो देखते हैं कैसे बनाना है, ठीक है, और अपने को क्या करना है। देखो सिंपल सी बात है, सिंपल साधारण शब्दों में समझेंगे। देखो ये हमारे पास एक सेल है, ये हमारे पास एक सेल है, और सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर पड़ा है अपना डीएनए, है ना। अब ये पूरा अपना जो जेनेटिक मटेरियल है ये उलझा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहां पे अपना क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये रेड कलर का जो दिख रहा है ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब हमें इस जीन से जो प्रोडक्ट मिलता है वो बहुत सारा चाहिए, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ते हैं कि इस जीन का हम इसको निकाले कैसे, और उसकी कॉपी कैसे बनाएं, फिर उसका प्रोडक्ट कैसे बनाएं, ठीक है। तो कुल मिला के पहला स्टेप अपने को क्या करना है, ये जीन अपने को यहां से निकालना है, ठीक है। तो इस जीन को इस सेल में से निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, हमें ये सेल वॉल को ब्रेक तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है तो लाइसोजाइम से हम तोड़ लेंगे, अगर ये प्लांट की सेल वॉल है तो सेलुलोज से तोड़ लेंगे, अगर फंगस की सेल वॉल है तो काइटिनेज से तोड़ लेंगे, ना। सेलुलोज देखो प्लांट की सेल वॉल में क्या होता है, सेलुलोज, तो सेलुलेज से तोड़ लेंगे, फंगस की सेल वॉल में क्या होता है, काइटिन, तो काइटिनेज से तोड़ लेंगे, सिंपल सी बात है। तो हमने ये सेल वॉल को तोड़ दिया, ठीक है। अब यहां पे हमें क्या है, ये डीएनए, ये जीन, ये अपने को जीन चाहिए ना, एक तरीके से डीएनए का टुकड़ा चाहिए, है ना। तो डीएनए के टुकड़े को निकालते हुए यहां पे इंप्योरिटी भी तो होती है, मतलब और भी तो होंगे, खाली डीएनए थोड़ी है, यहां पे आरएनए भी होंगे, प्रोटीन भी होंगे, और भी बहुत कुछ होगा, है ना। तो हमें आरएनए, प्रोटीन और बाकी जो भी चीजें हैं हमें उनसे छुटकारा चाहिए, एक तरीके से ये इंप्योरिटी की फॉर्म है ना, ये मान सकते हो कि डीएनए अपना प्योर फॉर्म है और ये सब इंप्योरिटी है। तो आरएनए को हम हटा देंगे राइबो न्यूक्लियस से, प्रोटीन को हम हटा देंगे प्रोटीओस से, है ना, एक तरीके से इनके डाइजेस्टिंग एंजाइम होंगे, ठीक है, और बाकी के जो भी फालतू का कचरा है इसमें उसको भी हम हटा देंगे। हमें फिर क्या चाहिए, डीएनए चाहिए। अब डीएनए को भी बिल्कुल प्योरीफाइड में करने, देखो इसके बाद फिर क्या करेंगे, चिल्ड इथेनॉल का इस्तेमाल करेंगे, फिर अपने पास बिल्कुल प्योरीफाइड फॉर्म में डीएनए आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये प्योरीफाइड फॉर्म में डीएनए आ चुका है, अब हमें क्या करना है, इसकी क्या करना है, हमें इससे प्रोडक्ट चाहिए ना, जो ये प्रोडक्ट बनाएगा हमें वो चाहिए ज्यादा मात्रा में, ठीक है। अब उसका रास्ता देखते हैं कि ऐसा क्या तरकीब लगाएं कि हमें ज्यादा से ज्यादा उसका प्रोडक्ट बन जाए, ठीक है। अब देखो ये हमने डिजायर्ड डीएनए जो अभी निकाला था, ये रेड कलर वाला जो अभी निकाला, ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है। बहुत सारे, एक थोड़ी निकालेंगे, बहुत सारे निकाल लिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब डिजायर्ड डीएनए में हमने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस का इस्तेमाल कर दिया, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। ये इसमें क्या करेगी, एक स्पेसिफिक जगह पे, है ना, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, स्पेसिफिक जगह पे ये इसमें कट लगाएगी, है ना। देखो अब ये बहुत सारे डिजायर्ड डीएनए थे, तो जरूरी नहीं है कि सबके ऊपर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करे, जरूरी नहीं है सबके ऊपर ही काम करे, कुछ रह भी जाएंगे, है ना। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करने के बाद कुछ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काम कर दिया, जो एक स्पेसिफिक कट लग जाएंगे, कुछ ऐसे बन जाएंगे ना, ये एक रफ डायग्राम से मैं समझा रहा हूं, ठीक है। और इन पे ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम नहीं कर पाया, तो दो तरीके के अपने को प्रोडक्ट मिल गया ना, एक पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम नहीं कर पाया, एक पे कर दिया, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इन दोनों को सेपरेट कैसे करेंगे, देखो इसमें साइज का डिफरेंस आ गया, देखो यहां इनमें क्या है, कट लग गया, मतलब ये छोटे साइज के हो गए, इनमें ये बिल्कुल ऐसे के ऐसे पड़े, इनमें कोई भी कट नहीं लगा, ये बड़े साइज के, तो इनको साइज के बेस पे हम क्या कर लेंगे, इनको अलग अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, प्योरीफाई कर लेंगे, किसके हेल्प से, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या है, हम साइज के बेस पे, इनके साइज के बेस पे इनको सेपरेट कर लेंगे। अब देखो ये अपने को ये वाले मिल चुके हैं ना, अपना डिजायर्ड डीएनए जिस पे कट लग गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमने सेपरेट कर लिया, ये वाले अब अपने को मिल चुके हैं, ठीक है। अब एक होता है हमारे पास वेक्टर, अब वेक्टर में भी हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस का इस्तेमाल करेंगे, है ना, वो बिल्कुल उसमें उसी जगह पे कट लगाएगी, एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बनेगा, ठीक है, तो उसी जगह पे कट लगाए, तो वेक्टर कुछ ऐसा बन जाएगा, मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट्री ये, और ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे, किसकी हेल्प से, लाइगेज एक तरीके से फेविकोल होता है ना, तो ये कुछ ऐसे बन जाएंगे, ये अपना क्या था, डिजायर्ड डीएनए, और ये अपना है वेक्टर है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट मतलब दो चीजों के यहां पे डीएनए जुड़े हुए हैं, है ना। अब आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए कि हमने वेक्टर का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि इसको डिजायर्ड डीएनए को हमने किस में डालना है, एक होस्ट सेल के अंदर डालना है, ताकि इसकी मल्टीपल कॉपीज बन सके, हमें बहुत सारा प्रोडक्ट बन सके, है ना। तो हम डायरेक्ट इसको डाल के कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसको हम डायरेक्ट अगर उसमें होस्ट सेल में डाल दे तो कुछ भी नहीं बनेगा, ये रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, तो हम इसको एक वेक्टर से जोड़ देते हैं। अब इस वेक्टर को अगर हम होस्ट सेल में डाल दे तो ये वेक्टर क्या है, वेक्टर नॉर्मली क्या यूज होता है, प्लाज्मिड यूज होता है, तो प्लाज्मिड वहां पे रेप्लिकेट कर पाएगा, तो ये वेक्टर जब वहां पे होस्ट सेल में रेप्लिकेट करेगा तो उसके साथ ये वाला भी रेप्लिकेट करेगा, है ना, अपना डिजायर्ड डीएनए भी रेप्लिकेट करेगा, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसका हमें फायदा हो जाएगा ना। ये अपना बेसिक कंसेप्ट था बायोटेक का।
अब देखो हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में बात की थी, तो उनके बारे में जो भी एनसीईआरटी में दिया पूरा डिटेल में कर लेते हैं। ठीक है, देखो न्यूक्लियस क्या होते हैं, न्यूक्लियस क्या होते हैं जो डीएनए में कट लगाते हैं, बस इतना याद रखना, न्यूक्लियस क्या होते हैं जो डीएनए में कट लगाते हैं। अब इस डीएनए में दो टाइप का कट लगेगा, एक तो बीच में मतलब एंडो, एंडो मतलब बीच में, एक एक्सो, एक्सो मतलब बाहर की साइड कट लगेगा। तो बीच में कट लगा तो एंडो न्यूक्लियस और बाहर की साइड लगा एक्सो न्यूक्लियस। ठीक है, अब याद करो रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस कहां से आया है। ठीक है, अब देखते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में अपनी एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। देखो यहां पे बात की गई है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 1963 की बात है, 1963 की बात है, एक बैक्टीरियोफेज ई कोलाई। देखो बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे, तो बैक्टीरियोफेज ई कोलाई को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, अब बैक्टीरियोफेज की ई कोलाई में ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए दो एंजाइम प्रेजेंट है। ठीक है, ई कोलाई के अंदर बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए दो एंजाइम प्रेजेंट है। एक क्या करता है, उनमें से दो एंजाइम में से एक एंजाइम क्या करता है, एड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए, और दूसरा एंजाइम क्या करता है, डीएनए को कट करता है, डीएनए को कट करता है। इसको भूल जाओ, यो अपने किसी काम का नहीं है, अपने काम का क्या है, कट दी डीएनए। तो जो एंजाइम डीएनए को कट करता था उसको बोला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोला है ना, एंडोन्यूक्लियस जहां भी आ जाए मतलब सीजर कैंची, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मतलब स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट लगाएगी, रेस्ट्रिक्शन मतलब एक रेस्ट्रिक्टेड स्पेसिफिक सीक्वेंस पे, है ना। तो ये यहां से इसकी डिस्कवरी हुई थी। अब यह एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है ये अपने को याद रखना है, पहली फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सी थी, हिंद टू, है ना। देखो यहां पर कंफ्यूजन, मेरे को कंफ्यूजन होती थी हिंद टू और इको आर वन में कि कौन सी पहली थी कौन सी पहली थी, क्योंकि मेरे को ये आर वन दिखता था, वन मतलब मैं सोचता था थोड़ा इसमें उलझ जाता था। तो इसको ऐसे याद रखना, हम हिंदुस्तानी हैं तो अपने देश को पहले स्थान पर रखेंगे, मतलब फर्स्ट मतलब हिंद टू। और एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कितनी की डिस्कवरी हो चुकी है, मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं, और ये कहां से मिली है, बैक्टीरिया से मिली है, बैक्टीरिया की कितनी, मोर देन 230 स्ट्रेन से अपने को ये मिली है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इनकी नेमिंग थोड़ी देख लेते हैं। इको आर वन की फुल फॉर्म क्या है, इशर्शिया कोलाई, देखो ई इशर्शिया को मतलब कोलाई, और ये क्या है आर वाई वन थ्री। ठीक है, अब आर क्या इसमें शो कर रहा है, आर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आर स्ट्रेन को शो करता है, और जो रोमन नंबर है वो ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी को शो करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं क्या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना, क्या यूज हुई थी, कैसे यूज हुई थी, वो हमने देख ली थी कि कहां पे यूज हुई थी, पर इसको देख लेते हैं इसमें होता क्या। ठीक है, देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर डीएनए, है ना, हमने क्या की थी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की थी फॉर डीएनए, बस आपका काम यहीं पे खत्म, कुछ भी याद नहीं करना। ठीक है, देखो डीएनए के बारे में एक बात याद रखनी है कि नेगेटिवली चार्ज होता है, जो डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, बस खत्म है। देखो जेल मतलब जेल, कौन सा जेल, एगारोस जेल, जेल मतलब जेल, कौन सा जेल, एगारोस जेल। अब एगारोस जेल के बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये क्या होता है, नेचुरल पॉलीमर होता है, और कहां से मिलता है, सीवीड से मिलता है, नेचुरल पॉलीमर होता है और सीवीड से मिलता है, जेल मतलब जेल, एगारोस जेल इसमें यूज होगा, सिंपल सी बात है, खत्म। ठीक है, और क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, देखो आप गूगल पे ये वर्ड लिखोगे ना इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो इसका मतलब होता है मूवमेंट अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, बस खत्म है। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या होता है, मूवमेंट अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, और डीएनए मतलब डीएनए, अब सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखो डीएनए की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर मूवमेंट कहां पे, एक जेल के अंदर। देखो ये अपना क्या है, देखो ये अपना ग्रे कलर का क्या है, पूरा जेल है, और ये रेड कलर का क्या है, अपना डीएनए है, और इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डीएनए की मूवमेंट होगी, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सिंपल सी बात है। ठीक है, देखो होता क्या है, डीएनए कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, और हम यहां पे मान लो लगा देंगे पॉजिटिवली चार्ज, तो नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, है ना, तो ये ऐसे मूवमेंट होगी। अब सिंपल सी बात है, जो छोटे डीएनए होंगे वो आगे की तरफ निकल जाएंगे स्मॉल साइज के, और जो बड़े होंगे वो पीछे की तरफ रह जाएंगे। हमने बात की थी ना कि जिनमें कट, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस जिनमें कट लगा दी थी वो छोटे साइज के हो गए, मतलब वो आगे की साइड निकल गए, बड़े वाले जिनमें कट नहीं लगे वो पीछे की साइड लगे, तो हमें ये बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, पता लग जाएगा कि किसमें कट लगा है किसमें नहीं लगा, छोटे छोटों को हम सेपरेट कर लेंगे। और सेपरेट भी कैसे करते हैं, देखो सेपरेटेड डीएनए जो सेपरेट हो गए वे ऐसे नहीं दिखते कि हम नॉर्मली हमने ऐसे डायरेक्ट आंखों से दिख लिया, ऐसे नहीं दिखते, हम उनको क्या करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करते हैं, हम उनको इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करते हैं, फिर यूवी लाइट का एक्सपोजर देते हैं, फिर हमें क्या दिखते हैं, ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड दिखते हैं। तो ये थी पूरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब देखो हमें बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि रिकम्बिनेशन क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था, हमें वेक्टर, वेक्टर के साथ क्या, अपना डिजायर्ड डीएनए जुड़ा हुआ है, तो इसको हमें कहां डालना है, होस्ट सेल में डालना है। तो इसके लिए क्या क्या यूज होता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, डायवेलेंट कटायन यूज होता है, जैसे कि कैल्शियम, हीट शॉक मेथड, जिसमें क्या करेंगे, एक बार बर्फ पे डाल देंगे, एक बार 42 डिग्री सेल्सियस यानी गर्मी, एक बार ठंड एक बार गर्मी। ठीक है, और क्या है, माइक्रो इंजेक्शन का यूज करेंगे। अब और बायोलिस्टिक या जीन गन, अब यहां पे कंफ्यूजन क्या होती है, देखो माइक्रो इंजेक्शन कहां यूज होता है, एनिमल सेल में, और बायोलिस्टिक जीन गन कहां पे यूज
यूज होती है, प्लांट सेल में यूज होती है। यहां पे कंफ्यूज हो जाओगे, अब इसको ऐसे याद रखना। देखो हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हम इंजेक्शन लगवाते हैं, हम गन थोड़ी लगवाते हैं, हम इंजेक्शन लगवाते हैं। तो एनिमल्स को क्या लगते हैं? इंजेक्शन। और प्लांट का ऑटोमेटिकली हो जाएगा जीन गन मेथड। ठीक है, जीन गन मेथड में क्या होता है, हम ये कोट करते हैं एक गोल्ड टंगस्टन के ऊपर क्या है, डीएनए का कोट करते हैं और डीएनए को फिर क्या करते हैं उसके होस्ट सेल के अंदर घुसा देते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। देखो ये हमारा डिजायर्ड डीएनए है जिसकी हमें मल्टीपल कॉपीज चाहिए। तो इसकी मल्टीपल कॉपीज चाहिए तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस डिजायर्ड डीएनए को वेक्टर के साथ जोड़ देंगे। डिजायर्ड डीएनए को वेक्टर के साथ जोड़ देंगे। वेक्टर कौन सा मेनली हम यूज करते हैं? प्लाज्मिड। तो देखो अगर हम इसको इसके साथ जोड़ते हैं तो यहां पे दो पॉसिबिलिटी हमारे पास बनती है, दो पॉसिबिलिटी कि या तो ये डीएनए इसके साथ जुड़ जाएगा, या तो ये डीएनए इसके साथ जुड़ जाएगा या नहीं जुड़ेगा, मतलब वेक्टर ऐसे का ऐसे रह गया, है ना। अगर ये डिजायर्ड डीएनए वेक्टर के साथ जुड़ गया तो उसको हम बोल रहे हैं क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और नहीं जुड़ा तो क्या बोल देंगे, सिंपली नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये बिल्कुल क्लियर है, ये बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब देखो ये बहुत सारा मिक्सचर है, हमें इसकी मल्टीपल कॉपीज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे मिक्सचर को होस्ट सेल में डालेंगे, है ना। इसकी मल्टीपल कॉपीज चाहिए तो उसको होस्ट सेल में डालेंगे जहां वो कॉपी बनाएगा। अब यहां पर तीन पॉसिबिलिटी बनेंगी, इसलिए मैं तीन होस्ट सेल बना रहा हूं, तीन पॉसिबिलिटी बनेंगी यहां पे। देखो या तो ये होस्ट सेल में जाएगा, या ये होस्ट सेल में जाएगा, या इन दोनों में से कोई भी नहीं जाएगा, है ना। दोनों तो जाएंगे नहीं ना, या तो ये जाएगा या इन दोनों में से कोई भी नहीं जाएगा। तो तीनों मैं पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर लेता हूं, या तो देखो ये रिकम्बिनेंट वाला गया, या नॉन रिकम्बिनेंट वाला गया, या कोई भी नहीं गया। अब मैं बात करने वाला हूं ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की। देखो यहीं पे कंफ्यूजन होती है। देखो ट्रांसफॉर्मेंट का रिकम्बिनेंट के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, ट्रांसफॉर्मेंट का सीधा सीधा लेना है ये प्लाज्मिड ये वेक्टर के साथ। अगर वेक्टर गया, देखो प्लाज्मिड गया तो वो होगा ट्रांसफॉर्मेंट, अगर प्लाज्मिड गया तो वो होगा ट्रांसफॉर्मेंट, अगर नहीं गया तो होगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि रिकम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट का कोई लेन देन नहीं है, यहीं पर कंफ्यूजन होती है। सीधा सीधा प्लाज्मिड को देख लो, प्लाज्मिड जिस सेल में गया वही हो गई ट्रांसफॉर्मेंट, और रिकॉम्बिनेंट एक अलग चीज है, हमने देख लिया। रिकॉम्बिनेंट क्या है, डिजायर्ड डीएनए जब वेक्टर के साथ जुड़ जाता है उसको हम बोल रहे हैं रिकॉम्बिनेंट, और ट्रांसफॉर्मेंट किसको बोल रहे हैं हमने देख लिया, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो एक सेलेक्टेबल मार्कर की कंफ्यूजन होती है, इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझे। देखो हम बिल्कुल समझ चुके हैं कि ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट क्या होता है। ठीक है, देखो ये ईकोलाई है अपनी, ये होस्ट सेल है अपनी, ये क्या है ईकोलाई है, और ये ईकोलाई का क्या है डीएनए है, होस्ट सेल का अपना डीएनए होगा। ठीक है, अब ये है ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट मतलब इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ चुका है, नॉन ट्रांसफॉर्म मतलब इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपना नहीं आया। ठीक है, इसका अपना डीएनए इसमें पड़ा है। ठीक है, और यहां पे देखो हमने किया था कि प्लाज्मिड में क्या होती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट होती है। ठीक है, प्लाज्मिड में क्या? अब सिंपल सी बात है, जो ई कोलाई नेचुरल ई कोलाई होता है वो एंटीबायोटिक की वजह से क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। ठीक है, एंटीबायोटिक की वजह से ई कोलाई खत्म हो जाना चाहिए, बट ट्रांसपोर्ट में क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेंट में क्या आ गया, अपना ये आ गया वेक्टर आ गया, वेक्टर के पास क्या है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, तो इसकी वजह से ये इसकी डेथ नहीं होगी, ये खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पता लगा लेंगे कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा क्योंकि इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है ही नहीं। ठीक है, तो इसी के रिलेटेड अब देखो यहां पे एक चीज याद रखना, सेलेक्टेबल मार्कर से हमने क्या पता लगाया, सेलेक्टेबल मार्कर से हमने पता लगाया ट्रांसफॉर्मेंट वर्सेस नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। रिकॉम्बिनेंट वाले में कंफ्यूज मत होना, हमें यहां बिल्कुल भी पता नहीं लगा कि रिकॉम्बिनेंट कौन सा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सा है। ठीक है, अब रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट का पता कैसे लगाएंगे, हम इंसर्शनल एक्टिवेशन से लगाएंगे, इंसर्शनल एक्टिवेशन। देखो अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट है मतलब इसमें क्या है डिजायर्ड डीएनए अपना नहीं जुड़ा, ये पूरा का पूरा वेक्टर है, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, हम देख क्या होता है। ठीक है, तो इसमें कलर प्रोड्यूस होगा, इसमें कलर प्रोड्यूस होगा, है ना, इसमें जीन होता है जो कलर प्रोड्यूस करता है। बट रिकॉम्बिनेंट में क्या हुआ, जो जीन कलर प्रोड्यूस कर रहा था उसको ये डिजायर्ड डीएनए जो जुड़ा जहां पे उसने उसको डिस्टर्ब कर दिया, उसने उसको डिस्टर्ब कर दिया, तो इसमें कलर प्रोड्यूस नहीं होगा, रिकॉम्बिनेंट में कलर नहीं आएगा। ठीक है, अब बात है इसको याद कैसे करें, तो देखो हम पहले याद करेंगे जो इस सर्कल के अंदर लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है, एम्प्लिसिन रेजिस्टेंस, ओराई रोप और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, और फिर बाद में याद करेंगे जो सर्कल के बाहर लिखा हुआ है। ठीक है,
देखो मैं कोई भी ट्रिक बताता हूं तो उसको दो तीन बार उसी टाइम पे रिवाइज किया करो, क्योंकि क्या होता है हम कोई भी ट्रिक देखते हैं तो नेचुरल सी बात है कि वो पहली बार में हमें थोड़ा अजीब सी लगेगी, तो उसी टाइम पे उसको दो तीन बार रिवाइज कर दिया करो ताकि वो उसी टाइम पे याद हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो सर्कल के अंदर की बात हो या बाहर की बात हो, हम दोनों ट्रिक अपनी यहां से शुरू करेंगे, यहां से शुरू करेंगे और ऐसे जाएंगे। सिंपल है, यहां से शुरू करेंगे और ऐसे घूम जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सर्कल के अंदर की बात करते हैं। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है, आपने ब्लड वाले चैप्टर में, हार्ट वाले चैप्टर में देखा होगा, वहां पे अयोर्टा होता है। अयोर्टा अब नेट पे जाके देख लो क्या होता है, अपनी बुक में एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है अयोर्टा। अब देखो मैंने क्या बोला था, यहां से शुरू करेंगे और ऐसे घूम जाएंगे। अब ए से एम्प्लीसिन रेजिस्टेंस वाला हो गया, ओ से ओराई हो गया, आर से रोप हो गया और टी से क्या हो गया, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो ये ए हम पहले यूज कर चुके हैं तो ए का कोई यहां पे मतलब नहीं है क्योंकि ए हमने ऑलरेडी यूज किया है। ठीक है, एम्प्लीसिन रेजिस्टेंस, फिर ओराई, फिर ये रोप, फिर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, तो हमने ऐसे इसको पूरा फ्लो में याद कर लिया। ये अपनी सर्कल के अंदर की ट्रिक है, कंप्लीट सिंपल है। अब देखो सर्कल के बाहर वाली चीजों को कैसे याद करें, देखो बहुत सिंपल ट्रिक है। एक लड़का है, नीट की तैयारी करता है, लड़के का नाम है पवन। पवन नीट की तैयारी कर रहा है 2 साल से, पर 2 साल से उसका नीट क्लियर ही नहीं हो रहा, मतलब 2 साल की पढ़ाई के बाद भी उसे सिर्फ बीएमएस मिली है। ठीक है, लड़का है पवन, पवन 2 साल से नीट की तैयारी कर रहा था, उसे 2 साल की मेहनत के बाद भी सिर्फ बीएमएस मिली। अब इसमें किसका दोष है, पवन का दोष है या किसका? पवन की तो कोई गलती नहीं है क्योंकि वो तो बेचारा 2 साल से पढ़ाई कर रहा है, तो इसमें सिस्टम में कसूर किसका है, दोष किसका है? हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम का, कि एमबीबीएस की सीटें कम है और कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है। ठीक है, टेंशन मत लो, ये 1 किसमें है, 2 किसमें, 3 किसमें, ये भी पूरा ट्रिक में कवर हो जाएगा। तो अपनी ट्रिक को अप्लाई करते हैं। देखो पवन स्टडीज पूरे 2 साल से कर रहा है, सिंपल है, पवन स्टडीज पूरे 2 साल से कर रहा है, पर फिर भी उसको क्या मिली, सिर्फ बीएमएस, उसको एमबीबीएस नहीं मिली। ठीक है, पवन स्टडीज पूरे 2 साल से कर रहा है, उसको फिर भी क्या मिली, बीएमएस। अब इसमें दोष किसका है, कसूर किसका है? हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, पवन स्टडीज पूरे 2 साल से कर रहा है, फिर भी उसको मिली बीएमएस, इसमें कसूर किसका है, हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम का। अब देखो ये पीवी 2 है इधर, तो पीवी से पहला होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए, कॉमन सेंस है, पीवी 2 इधर है तो 1 इधर होना चाहिए। अब एसटी में इससे हमें याद आ जाएगा, ये पीएसटी। ठीक है, अब देखो हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, तो इस पे 1 लगाने से काम नहीं चलेगा, हमें इस पे मैक्सिमम करना पड़ेगा, मैक्सिमम कितना, 3। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है इसलिए इसको हमने मैक्सिमम नंबर देना पड़ेगा 3, और बाकी सब में क्या कर दो, 1 कर दो। अब देखो PVU2 है, अपना ट्रिक में कवर हो गया, हिंद 3 है, अपना ट्रिक में कवर हो गया, बाकी सारे क्या है, ऑटोमेटिकली सारे 1 कर दो। अब देखो PCR का क्या यूज होता है, देखो यहां पे हमने ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपने बनाया था, जहां पे डिजायर्ड डीएनए और वेक्टर अपना जुड़ चुका था। ठीक है, अब या तो हमारे पास एक ये ऑप्शन है कि हम बार बार इनको बनाते रहे, बार बार इनको बनाते रहे, बहुत मेहनत लगेगी, तो दूसरा बेटर ऑप्शन क्या है, जो ये अपने पास बन के तैयार है, इसी की हम मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं, यूज कर लेंगे। ठीक है, तो मल्टीपल कॉपीज कहां बनेंगी, PCR में बनेंगी, वो देख लेते हैं कैसे बनेगी। तो PCR को मैं डायरेक्ट NCERT में से करवा देता हूं। देखो हमारे पास ये है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, तो इसको अगर हम हीट करेंगे तो ये हो जाएगा डीनेचर, मतलब डबल स्टैंड थी तो हीट करने के बाद डीनेचर हुआ, तो हमारे पास 2 सिंगल स्टैंड बन गई, तो इस स्टेप को हम बोलेंगे डीनेचुरेशन। अब नेक्स्ट क्या हुआ, 2 सिंगल स्टैंड ये हमारे पास थी, तो दोनों स्टैंड्स पे एक एक प्राइमर लग जाएगा। प्राइमर मतलब प्राइम, ये तो नाम से ही पता लग रहा है, प्राइमर मतलब कुछ इनिशिएट करेगा ये, तो प्राइमर लग जाएगा, इस स्टेप को हम बोलेंगे एनीलिंग। अब क्या होगा, ये प्राइमर लगने के बाद ये प्राइमर जो एक्सटेंड करेगा, कि ये प्राइमर ऐसे एक्सटेंड कर जाएगा और ये प्राइमर ऐसे एक्सटेंड कर जाएगा, तो इस स्टेप को हम बोलेंगे एक्सटेंशन। मतलब ये सिंगल स्टैंड और एक्सटेंशन के बाद ये दोनों बन जाएंगी डबल स्टैंड, डबल स्टैंड मतलब हमने एक डबल स्टैंड डीएनए से 2 डबल स्टैंड बना दिए। अब इसी साइकिल को हम बार बार रिपीट करके बहुत सारे डीएनए बना सकते हैं, तो सिंपली PCR का यूज ही इसलिए होता है ताकि हम मल्टीपल कॉपीज बना सकें। ठीक है, देखो बायो रिएक्टर्स हमारे पास NCERT में 2 टाइप के दिए हुए हैं, एक है सिंपल, एक है स्पार्स्ड। अब देखो वैसे तो नॉर्मली इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, लगभग दोनों सेम ही होते हैं, पर एक डिफरेंस है बबल्स का, कि जो सिंपल है इसमें बबल्स अब्सेंट होते हैं और स्पास्ड में बबल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसको याद कैसे रखें, देखो इसमें बबल अब्सेंट है तभी तो ये सिंपल है, और इसमें बबल आ गए तभी ये थोड़ा स्पेशल हो गया, ये सिंपल ये थोड़ा स्पेशल हो गया। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखो एनसीईआरटी की लाइन है कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेस क्या होती है, सेपरेशन प्लस प्योरिफिकेशन। अब इसको कैसे याद रखें, देखो आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा एक होता है डी ब्लॉक, एक होता है एस ब्लॉक, एक होता है पी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक को कर देना है एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक, ठीक है, डी ब्लॉक को कर देना है एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक से हमें याद आएगा डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, वो थी एस प्लस पी, एस से सेपरेशन और पी से प्योरिफिकेशन। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, जो फूड की प्रोडक्शन थी वो 3 गुना हो गई थी ना, ट्रिपलिंग द फूड प्रोडक्शन। ग्रीन रेवोल्यूशन के रिजल्ट से जो फूड प्रोडक्शन थी वो 3 गुना हो गई थी, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है जीएमओ। जीएमओ क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो एनसीईआरटी में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि जीएमओ यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कि प्लांट्स या बैक्टीरिया या फंजाई या एनिमल्स जिनके जिनके जीन्स को ऑल्टर कर दिया गया है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब उनके जीन्स को ऑल्टर कर दिया गया है, ठीक है। अब यहां पे कुछ बातें दी हुई है कि फायदा क्या हुआ। फॉर एग्जांपल हम मान लो कोई गेहूं की फसल है या चावल की फसल है या बाजरे की फसल है, किसी भी फसल को क्रॉप को मान लो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड कर देते हैं तो क्या क्या फायदा हो सकता है, कि क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, जैसे कोल्ड है ना, ठंड गर्मी सोल्टी कंडीशन, उनसे ज्यादा क्या है टॉलरेट कर पाती है एबायोटिक स्ट्रेस को, है ना, हम उसको इस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप मतलब क्या है, कि पेस्टिसाइड की जो है वो अपनी जो यूज है जो खपत है वो कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हम जेनेटिकली ऐसी क्रॉप बना देंगे जो ऑटोमेटिकली नेचुरली क्या हो, पेस्ट रेजिस्टेंट हो ना। रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, है ना, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस भी हम कम कर सकते हैं क्योंकि हम कुछ ऐसे जीन डाल के उसको क्रॉप की वैरायटी को ही ऐसा बना देंगे, ठीक है। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट, मतलब वही बात है, घूम फिर के सारे में वही बात आ रही है कि हम जेनेटिकली ऐसे तरीके से उस क्रॉप को मॉडिफाई करेंगे कि वो हमारे लिए हर तरीके से अच्छी हो, हर तरीके से ना, उसकी मिनरल यूसेज मतलब वो एफिशिएंसी भी उसकी अच्छी हो, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी उसमें अच्छी हो, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस भी उसमें कम हो, पेस्ट रेजिस्टेंट भी हो, है ना, एबायोटिक स्ट्रेस के मोर टॉलरेंट हो। तो कुल मिला के ये तो थ्योरेटिकल सी बिल्कुल इजी बातें हैं। अब देखो बीटी कॉटन को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, ठीक है। देखो हमारे पास एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। अब इस बैक्टीरिया के पास है क्या, एक जीन है, और ये जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन क्रिस्टल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब इन प्रोटीन क्रिस्टल्स की क्या खास बात है, इनमें क्या होता है, टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है, ठीक है। इन प्रोटीन क्रिस्टल में क्या होता है, टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है, मतलब इंसेक्टिसाइडल मतलब इंसेक्ट को मारने वाला टॉक्सिक प्रोटीन इनके पास है जो इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। अब एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन से इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट कौन से, लेपिडोप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन्स, डायटेरन्स। लेपिडोप्टेरन्स में टोबैको, बडवॉर्म, आर्मी वॉर्म दिए हुए, कोलियोप्टेरन में बीटल्स, डायटेरन में फ्लाइज एंड मॉस्किटो, ठीक है। तो ये अभी इनएक्टिव स्टेज में, मतलब जब तक ये बैक्टीरिया के अंदर है, ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन जब बैक्टीरिया के अंदर है तो ये इनएक्टिव स्टेज में है ना। तो जब जब अब ये किसके, इंसेक्ट के अंदर जाएगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि इंसेक्ट के अंदर जो पीएच है वो एल्कलाइन है, वो बेसिक पीएच है, तो उस एल्कलाइन पीएच की वजह से ये टॉक्सिक प्रोटीन जो है ये एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो एक्टिव होने के बाद क्या करेगा, ये बाइंड कर जाएगा कहां पे, मिड गट की एपिथेलियल सेल्स पे, ठीक है। जो इंसेक्ट है उसके मिड गट में ये एपिथेलियल सेल्स के साथ बाइंड कर जाएगा और वहां पे पोर्स क्रिएट कर देगा, टॉक्सिक है ना तो पोर्स क्रिएट कर देगा। तो उससे क्या होगी, इंसेक्ट के अंदर सेल स्वेलिंग होगी, फिर लिसिस हो जाएगी और फिर अल्टीमेटली इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। तो हमें इतनी बात यहां पे पता चल गई कि इस बैक्टीरिया के पास एक ऐसा जीन है जो इंसेक्ट को मार सकता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस जीन का यूज करेंगे, कैसे करेंगे, सिंपल सी फॉर्मूला है, सिंपल सा फंडा है। हम क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया से उस जीन को निकाल के कॉटन के प्लांट में डाल देंगे। देखो जो ये इंसेक्ट था ना, जो ये इंसेक्ट थे, ये क्या करते थे, कॉटन के प्लांट को नुकसान पहुंचा रहे थे अपने। अब हमने क्या किया, जो जो जीन इन इंसेक्ट को मार सकता है, यानी बीटी, ये बीटी मतलब बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, उससे क्या किया, हमने टॉक्सिन वाला जीन निकाला और कॉटन के प्लांट में डाल दिया। अब ये क्या बन गया, बीटी कॉटन, ठीक है। अब कॉटन के प्लांट के पास क्या है, ये वाला जीन है अपना, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनाने के लिए जीन है, मतलब ये इंसेक्ट जब इसको खाएगा तो वो उसको मार देगा। तो इस तरीके से अपना बीटी कॉटन जो है एक पेस्ट रेजिस्टेंट होगी एक तरीके से। अब हम करने वाले हैं आरएनए इंटरफेरेंस, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, ठीक है। देखो हमारे पास ये है टोबैको प्लांट और हमें क्या करना है, टोबैको प्लांट की खेती करनी है, टोबैको प्लांट हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए, है ना, हमें उसका बिजनेस करना है। तो अब दिक्कत क्या है कि टोबैको प्लांट को नुकसान पहुंचाता है एक निमेटोड जिसका नाम है मिलोइडिगिनी इनकोग्निशिया, ये निमेटोड इसको खा जाता है और हमारी फसल को खराब कर देता है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, इस निमेटोड से छुटकारा पाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक जीन, जीन किसके लिए, एक आरएनए
आरएनए को बनाने के लिए एक जीन इंट्रोड्यूस कर देंगे टोबैको प्लांट में, है ना। और किसकी हेल्प से? तो प्लांट वेक्टर क्या होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन, उसकी हेल्प से हमने जीन को टोबैको प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब जब ये निमेटोड इस टोबैको प्लांट को खाएगा तो इस जीन की वजह से क्या है, उसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगी निमेटोड के अंदर, ठीक है। अब ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए क्या करेगी, जो इस निमेटोड की नेचुरली, है ना, नेचुरल तरीके से भी तो मैसेंजर आरएनए बनती है, हमारे अंदर भी बनती है, इसके अंदर भी बनेगी, वो जो मैसेंजर आरएनए नेचुरली बनेगी सिंगल स्टैंडर्ड, तो ये आरएनए उसके साथ मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड कर जाएगी। तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जब इसके साथ बाइंड करेगी तो क्या बन जाएगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगी। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्या हो जाएगी, मतलब अब ये मैसेंजर आरएनए एक तरीके से इसकी खराब हो चुकी है, साइलेंट हो चुकी है, मतलब इसका कोई यूज नहीं है। अब मैसेंजर आरएनए ही अगर खराब हो गई तो निमेटोड हो जाएगा, बाय बाय, मतलब वो स्वर्ग सिधार जाएगा, है ना, वो किल हो जाएगा। देखो, हमें पता है कि डायबिटिक पेशेंट्स का नंबर पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है, ठीक है, डायबिटिक पेशेंट्स का नंबर पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है, और डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए हमें चाहिए इंसुलिन। तो पेशेंट्स का नंबर बहुत ज्यादा है तो उसको ठीक करने की दवाई जो कि इंसुलिन है, हमें वो भी तो लार्ज अमाउंट में चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे पास ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इंसुलिन को हम लार्ज अमाउंट में कहां से लाएं, कहां से प्रोड्यूस करें। तो इसकी सबसे पहली अप्रोच थी कि हम इंसुलिन को सिंपली एनिमल से निकाल लेते हैं, इंसुलिन को हम एनिमल से निकाल लेते हैं और जो डायबिटिक पेशेंट है उनमें इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। अब एनिमल से इंसुलिन निकालने के बारे में एनसीईआरटी में जो भी लिखा हुआ है मैंने उसका जूस निकाल के इसमें लिख दिया। देखो, हम इंसुलिन को निकालेंगे पैनक्रियाज से, हम इंसुलिन को निकालेंगे पैनक्रियाज से, और पैनक्रियाज किसका, स्लॉटर्ड पिग्स एंड कैटल्स, ठीक है। एक बार फिर से, हम स्लॉटर्ड पिग्स एंड कैटल्स के पैनक्रियाज से इंसुलिन को निकालेंगे और डायबिटिक पेशेंट्स में यूज कर लेंगे। अब इस सिस्टम के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। देखो, हम जब एनिमल से इंसुलिन निकाल के डायबिटिक पेशेंट्स को देते हैं तो वो डायबिटिक पेशेंट में एलर्जी कॉज करता है, ठीक है, वो डायबिटिक पेशेंट में एलर्जी कॉज कर देता है। तो ये प्लान हमारा हो गया फ्लॉप, ये एनिमल से इंसुलिन निकालने वाला हमारा प्लान हो गया फ्लॉप। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, अब हम इंसुलिन बनाने के लिए यूज करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। देखो, हम सबसे पहले ऐसा जीन ढूंढेंगे जो इंसुलिन को प्रोड्यूस कर सके, सबसे पहले हम इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को ढूंढेंगे। अब इस जीन का क्या करेंगे, देखो एक बात हमें पता है कि इंसुलिन हमें चाहिए बहुत बड़े अमाउंट में, बहुत लार्ज अमाउंट में, तो हमें एक जीन से तो हमारा काम चलने नहीं वाला, हमें इस जीन की मल्टीपल कॉपीज चाहिए। तो मल्टीपल कॉपीज बनाने का सबसे आसान तरीका है कि इस जीन को बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कर दो। अब बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करने से फायदा क्या होगा, देखो हमें पता है कि बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट होती है, कुछ घंटों में एक बैक्टीरिया से बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया बन सकते हैं। तो जब ये बैक्टीरिया खुद डिवाइड करेगा तो इसके साथ रेप्लिकेट करेगा ये वाला जीन, तो हमें इंसुलिन भी लार्ज अमाउंट में मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये लार्ज अमाउंट ऑफ इंसुलिन बन गया। अब आगे चलने से पहले हम थोड़ी बात इंसुलिन की स्ट्रक्चर पे कर लेते हैं। देखो, मैमल्स में इंसुलिन डायरेक्ट नहीं बनता, पहले बनता है इमैच्योर इंसुलिन, फिर इमैच्योर इंसुलिन की मैच्योरेशन होने के बाद बनता है मैच्योर इंसुलिन। इमैच्योर इंसुलिन को हम बोलते हैं प्रो इंसुलिन। अब इस प्रो इंसुलिन में जब मैच्योरेशन होगी तो बनेगा इंसुलिन, ठीक है। अब प्रो इंसुलिन और इंसुलिन की स्ट्रक्चर का डिफरेंस देख लेते हैं। देखो, प्रो इंसुलिन में हमारे पास तीन पेप्टाइड चेन होती है, ए बी सी, ठीक है। प्रो इंसुलिन में हमारे पास तीन पेप्टाइड चेन, ए प्लस बी प्लस सी। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ए चेन और बी चेन होती है वो आपस में लिंक्ड होती है डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। ए चेन एंड बी चेन लिंक्ड होती है डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू। अब देखो, प्रो इंसुलिन यानी इमैच्योर इंसुलिन में हम क्या ऐसा चेंज लाएं कि हमारे पास मैच्योर इंसुलिन बन जाए, ठीक है। तो देखो, प्रो इंसुलिन में ये जो आपको सी चेन दिख रही है सिंपली इसको उड़ा देना है, ठीक है। प्रो इंसुलिन में जो सी चेन है उसको अगर हम डिलीट कर दें तो हमारे पास बन जाएगा मैच्योर इंसुलिन। तो हमारे पास मैच्योर इंसुलिन में क्या बचा, ए चेन और बी चेन, और दोनों चेन आपस में लिंक्ड है डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू, तो ये हमारे पास हो गया मैच्योर इंसुलिन। अब एनसीईआरटी में एक बहुत खूबसूरत लाइन लिखी है कि इंसुलिन को बनाने में जो मेन चैलेंज था वो था मैच्योर इंसुलिन को बनाना, मतलब हम ऐसा इंसुलिन डायरेक्टली कैसे बनाएं कि उसमें सी चेन ना हो, उसमें सिर्फ ए चेन हो, बी चेन हो और दोनों चेन लिंक्ड हो डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ, ठीक है।
तो अब इस चैलेंज को ओवरकम किया एक अमेरिकन कंपनी ने। देखो ये पूरा एनसीईआरटी का जूस है, एक एक पॉइंट ध्यान से, ठीक है। एक अमेरिकन कंपनी जिसका नाम था इलाई लिली, इलाई लिली कंपनी ने 1983 में ई कोलाई के प्लाज्मिड को यूज किया। तो प्लाज्मिड का यूज करके उन्होंने क्या किया, देखो हमारे पास चैलेंज क्या था कि हमें मैच्योर इंसुलिन बनाना है, मतलब मैच्योर मतलब जिसमें सिर्फ ए चेन हो और बी चेन हो और दोनों चेन लिंक्ड हो डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ। तो उन्होंने क्या किया, ए चेन को अलग से बना लिया और बी चेन को अलग से बना लिया, ठीक है। ए एंड बी चेन्स आर प्रोड्यूस्ड सेपरेटली और उन्होंने बाद में ए और बी चेन को डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ जोड़ दिया, ठीक है। ए को अलग से बनाया, बी को अलग से बनाया और बाद में दोनों चेन्स को जोड़ दिया। तो ये इस तरीके से उन्होंने इस चैलेंज को ओवरकम किया और मैच्योर इंसुलिन बना लिया और मार्केट में अवेलेबल करा दिया, जो डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए पूरी दुनिया में यूज होने लगा, ठीक है। देखो सबसे पहले जीन थेरेपी होता क्या है, तो बहुत सिंपल है। मान लो हमारी बॉडी में एक डिफेक्टिव जीन है, ठीक है, हमारी बॉडी में एक डिफेक्टिव जीन है और इस डिफेक्टिव जीन को हमने रिप्लेस कर दिया नॉर्मल जीन के साथ, ठीक है। डिफेक्टिव जीन को नॉर्मल जीन के साथ हमने रिप्लेस किया और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सिंपली जीन थेरेपी। अब देखो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन चलेंगे, तो सबसे पहले है पहली जीन थेरेपी, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी। तो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी दी गई एक 4 साल की लड़की को, ठीक है, एक 4 साल की छोटी लड़की को दी गई फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी। और कब दी गई, 1990 में, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी 1990 में एक 4 साल की बच्ची को दी गई, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्यों दी गई, तो सिंपल सी बात है, इस बच्ची को कोई बीमारी होगी तभी तो हमने इसको जीन थेरेपी दी, ठीक है, बिना बात क्यों जीन थेरेपी देंगे। तो इसको एक डिजीज है, उस डिजीज का नाम है एडीए डेफिशिएंसी, ठीक है, एडीए डेफिशिएंसी। अब देखो नाम से पता लग रहा है एडीए डेफिशिएंसी, मतलब एडीए की कमी हो गई। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये एडीए क्या होता है, तो एडीए पे थोड़ी बात करते हैं। देखो एडीए एक टाइप का एंजाइम होता है, ठीक है, एडीए एक एंजाइम होता है और इस एंजाइम की फुल फॉर्म है, एडीए की फुल फॉर्म है एडीनोसाइन डीअमाइनेज। एडीए की फुल फॉर्म क्या है, एडीनोसाइन डीअमाइनेज, और ये एंजाइम हमारी बॉडी में इम्यूनिटी के लिए क्रूशियल होता है, ठीक है। एडीए एक एंजाइम है जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी के लिए क्रूशियल होता है। अब इस बच्ची की बात करते हैं, तो इस छोटी सी बच्ची में एडीए एंजाइम की कमी होगी। अब एडीए की कमी होगी तो उसका इम्यून सिस्टम अफेक्ट हो गया, ठीक है, उसकी इम्यूनिटी वीक होगी तो वो जल्दी जल्दी बीमार होने लगेगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी बीमारी को ठीक करना पड़ेगा। अब इस बच्ची की बीमारी या और भी बहुत सारी जेनेटिक बीमारियों को ठीक करने के लिए हमारी एनसीईआरटी में 3 मेथड दिए हुए हैं, ठीक है, फोकस करना एनसीईआरटी में दिए हुए एक एक पॉइंट। पहला मेथड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, दूसरा मेथड एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, तीसरा मेथड लिम्फोसाइट कल्चर। एक बार फिर से एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक बार फिर से करेंगे। पहला मेथड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, दूसरा मेथड एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, तीसरा मेथड लिम्फोसाइट कल्चर। अब जितना भी एनसीईआरटी में इनके बारे में दिया हुआ है वन बाय वन कवर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, देखो ये तो नाम से ही पता लग रहा है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, हमने बोन मैरो को चेंज कर दिया, ठीक है, ये हमारे पास डिफेक्टिव बोन मैरो था, हमने इसको सिंपली रिप्लेस कर दिया नॉर्मल बोन मैरो के साथ, ठीक है, हमने डिफेक्टिव बोन मैरो को निकाल लिया और नॉर्मल बोन मैरो पेशेंट में डाल दिया, ठीक है, ये तो है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। अब नेक्स्ट मेथड है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, देखो ये सबसे आसान मेथड है, बहुत सिंपल है, आपकी बॉडी में किसी चीज की कमी हुई और डॉक्टर ने उसी चीज का आपको इंजेक्शन लगा दिया, ठीक है। सिंपल एक एग्जांपल से समझाता हूं कि आपकी बॉडी में मान लो ग्लूकोज की कमी हुई और आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने डायरेक्ट इंजेक्शन लगा दिया ग्लूकोज का, और इसी केस में यहां ग्लूकोज को एडीए से रिप्लेस कर देते हैं कि आपकी बॉडी में एडीए की कमी हुई और डॉक्टर ने इंजेक्शन डायरेक्ट लगा दिया पेशेंट को एडीए का, ठीक है, जिसकी कमी हुई उसी का इंजेक्शन लगा दिया, बहुत सिंपल है। देखो हमने जो दो मेथड अभी किए, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एंड एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, इनके साथ एक दिक्कत है, ये दोनों थोड़े टेम्परेरी मेथड हैं, तो हमें एक थोड़ा परमानेंट मेथड चाहिए, तो हमने यूज किया लिम्फोसाइट कल्चर का, ये थोड़ा परमानेंट मेथड है, तो स्टार्ट करते हैं लिम्फोसाइट कल्चर। देखो बहुत सिंपल है, मान लो आपके पास एक पेशेंट आया, ठीक है, और जो जीन एडीए एंजाइम की फॉर्मेशन करता है उस पेशेंट के पास वो जीन डिफेक्टिव है, ठीक है, तो आप उसको कैसे ठीक करोगे, तो सिंपली आप उसमें नए जीन डाल दोगे, जो डिफेक्टिव जीन है उनकी जगह पे आप नए जीन डाल दोगे। तो उसमें हम नए जीन कैसे डालेंगे, देखो बहुत सिंपल है, सबसे पहला हम काम करेंगे उस पेशेंट के लिम्फोसाइट्स को रिमूव कर लेंगे, ठीक है, उस पेशेंट के लिम्फोसाइट्स को निकाल लेंगे।
अब हम क्या करेंगे, उन लिम्फोसाइट्स में नए वाले जीन डाल देंगे। अब नए जीन हम डालेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके। अब आपको पता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमें चाहिए एक वेक्टर, ठीक है। तो एनिमल्स के लिए जो कॉमन वेक्टर यूज होता है वो होता है रेट्रोवायरस। तो हमने क्या किया, रेट्रोवायरस को एज ए वेक्टर यूज करके एडीए के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल था पेशेंट की लिम्फोसाइट निकाल के उनमें डाल दिया, ठीक है। अब हमारे पास लिम्फोसाइट पेशेंट की बाहर है, ठीक है, बाहर है और उनमें हमने जीन डाल दिया। अब हम तीसरा स्टेप क्या करेंगे, जो हमने लिम्फोसाइट निकाली थी और जिनमें जीन हमने डाल चुके हैं ऑलरेडी, वो हम पेशेंट को लौटा देंगे, ठीक है। हमने डिफेक्टिव चीज पेशेंट की निकाली, उसको मरम्मत की, उसकी रिपेयरमेंट की और उसको पेशेंट को लौटा दिया, ठीक है। पर इस मेथड के साथ एक दिक्कत है, ये भी परमानेंटली क्योरेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये देखो यहां पे लिम्फोसाइट्स हैं और लिम्फोसाइट्स आपको पता है एक टाइप की सेल होती है। अब सेल है तो कभी ना कभी तो मरेगी, अमर तो है नहीं है। तो हमने जो लिम्फोसाइट रिपेयर करके इस पेशेंट को लुटाई थी वो थोड़े दिन बाद मर जाएगी। तो अगर इस पेशेंट को हमेशा पूरी जिंदगी हमेशा नॉर्मल फंक्शन करना है तो इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने रिपेयर की, ये मर गई, तो हम दोबारा से नई डाल देंगे, वो फिर से मर जाएगी, फिर से हम नई डाल देंगे, तो इस तरीके से रिपीट करना पड़ेगा। तो ये भी परमानेंटली क्योरेबल नहीं है। देखो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि अगर इस प्रोसेस को हम अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे करें तो ये परमानेंटली क्योरेबल हो सकती है, ठीक है। एडल्ट में नहीं होगी, पर अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे करें तो परमानेंट क्योरेबल हो सकती है, ठीक है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे माइंड में आना चाहिए कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स असल में होता क्या है। तो बहुत सिंपल है, देखो ऐसे एनिमल्स जिनके डीएनए को मैनिपुलेट कर दिया जाता है उनको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है। बहुत सिंपल है, एनिमल्स विद मैनिपुलेटेड डीएनए क्या होते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पॉइंट टू पॉइंट सब कवर करा दूंगा, ठीक है। ये पूरा एनसीईआरटी का जूस है, एक एक लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है। देखो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काओ का नाम था रोजी, ठीक है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काओ का नाम था रोजी और रोजी को डेवलप किया गया 1997 में। एक बार फिर से, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काओ का नाम था रोजी और उसको डेवलप किया गया 1997 में। अब रोजी की खास बात क्या थी कि उसके मिल्क में ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन, ठीक है, ये प्रोटीन है, ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन ये बहुत अच्छी अमाउंट में था। कितनी अमाउंट में था ये भी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, 2.4 ग्राम पर लीटर, ठीक है, 2.4 ग्राम पर लीटर। और इसकी वजह से इस रोजी का मिल्क जो है वो न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। एक बार रिपीट कर लेते हैं, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ थी रोजी जिसको डेवलप किया गया 1997 में, उसमें ये वाला प्रोटीन बहुत अच्छी अमाउंट में था और इस वाले प्रोटीन होने की वजह से उसका मिल्क न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड हो गया। अब नेक्स्ट देखो फिर से वही एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट कवर करेंगे। देखो एक ह्यूमन प्रोटीन होता है जिसका नाम है अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन, ठीक है, ह्यूमन प्रोटीन होता है जिसका नाम है अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन। इसका यूज हम करते हैं इम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। ह्यूमन प्रोटीन है अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन और उसका यूज किया जाता है इम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए, बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट देखो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि ट्रांसजेनिक माइस का यूज पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी या ट्रायल कुछ भी बोलो, पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी के लिए किया जाता है, ठीक है। ट्रांसजेनिक माइस यूज्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन, इसको हम याद रखेंगे अच्छे तरीके से। अब नेक्स्ट देखो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसी कौन सी डिजीज हैं जिनकी स्टडी के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज होता है। तो एनसीईआरटी में पर्टिकुलर डिजीज के नाम दिए हुए हैं, ठीक है, कौन सी, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड अल्जाइमर। तो ये ऐसी डिजीज हैं जिनकी स्टडी के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज होता है। एक बार फिर से करते हैं, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड अल्जाइमर। देखो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में ऐसी कोई याद रखने वाली बात नहीं है, कॉमन सेंस वाली बात है कि जैसे सीरम है एंड यूरिन एनालिसिस है, इसमें क्या है, कोई भी डिजीज की डायग्नोसिस करनी है तो वो लेट डिटेक्शन होती है ना, बहुत देरी से। बट जो ये वाली टेक्निक है अपनी बायोटेक्नोलॉजी वाली, जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, पीसीआर है, एलिजा है, तो इनसे क्या होगा, हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं ना, क्योंकि छोटे से छोटा है ना। यही बात यहां पर सिंपल तरीके से लिखी हुई है कि यूरिन और सीरम में हमें कोई भी मॉलिक्यूल या एंटीजन या एंटीबॉडी कुछ भी डिटेक्ट करना है तो उसकी अमाउंट ज्यादा होनी चाहिए। बट इन टेक्निक का यूज करके हम कम अमाउंट वाले पैथोजन को क्या कर देंगे, एम्पलीफाई कर देंगे पीसीआर
पीसीआर से हाई कंसंट्रेशन हो जाएगी, है ना। तो उस तरीके से हम मतलब कहने की बात यह है कि कम से कम कंसंट्रेशन पैथोजेंस की कम से कम कंसंट्रेशन में भी बायोटेक का यूज करके हम डिटेक्ट डिजीज को कर सकते हैं ना। और जितनी कम कंसंट्रेशन में डिजीज को डिटेक्ट करेंगे उतनी हमारे लिए अच्छी बात है ना, उसको ठीक भी उतनी आसानी से कर सकते हैं। एक इसमें आपको यह याद रखनी है कि एलिजा जो होती है ना, ये एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट असे, ये किस पे डिपेंड करती है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे इसका मैकेनिज्म होता है। ये याद रखना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे इसका मैकेनिज्म होता है। GEAC यानी जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ठीक है। अब इस कमेटी का काम क्या है कि जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड, मतलब कुल मिला के वही है कि जीन की ऑल्ट्रेशन या बायोटेक के रिलेटेड जो भी काम हो रहा है, ये उसको रेगुलेट करेगी कि भाई काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। मतलब जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च हुई उनकी वैलिडिटी चेक करेगी, और मान लो कोई भी प्रोडक्ट हमें पब्लिक में लॉन्च करना है, कोई भी दवाई लॉन्च करनी है, कोई भी फसल लॉन्च करनी है, तो उसकी जो पब्लिक में सेफ्टी पहले चेक की जाएगी ना, ऐसा तो नहीं डायरेक्ट मार्केट में उतार दी, पहले उसकी सेफ्टी चेक की जाएगी। तो एक कमेटी बना दी कि भाई तुम देख लो क्या सेफ है क्या नहीं है, क्या वैलिड है क्या नहीं है, तो ये कुल मिला के ऐसे डिसाइड करेगी, ठीक है। यहां पे कुछ थ्योरेटिकल सी बातें ही आएंगी अब इस टॉपिक में, इतना कुछ खास नहीं है, है ना। जैसे राइस के बारे में बताया था ना, ये अपना वो हो गया पेटेंट के बारे में। फॉर एग्जांपल मैंने कोई ट्रिक बनाई है ना, तो मैं उसका पेटेंट करा लेना चाहिए मेरे को कि ये मेरी ट्रिक है ना, ताकि उसको और कोई कॉपी ना करे। तो कुछ इस तरीके से दी हुई, जैसे राइस है, राइस की इंडिया में वैरायटी बताई हुई है कि 200,000 से भी ज्यादा है ना, और बासमती की 27 वैरायटी, 27 वैरायटीज इंडिया में। और बासमती की खास बात क्या है, उसकी खुशबू, उसका आरोमा, ठीक है। तो यहाँ पे एक गड़बड़ बताई हुई है कि 1997 में क्या हुआ था, एक अमेरिकन कंपनी में बासमती, एक अमेरिकन कंपनी ने क्या किया, यूएस अमेरिकन, तो यूएस पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस में क्या किया, बासमती का पेटेंट करा लिया कि बासमती हमारी वैरायटी है ना। तो ये पेटेंट में कुछ दिक्कतें आती हैं, क्यों, क्योंकि हर किसी को अपना अपनी चीज का पेटेंट करा लेना चाहिए, नहीं तो जैसे बासमती है इंडिया की बट अमेरिका ने उसका पेटेंट करा लिया 1997 में, तो ये गड़बड़ सी है। जैसे टर्मरिक और नीम है, ये इंडियन प्लांट्स हैं, इंडियन मेडिसिंस है ना, अब इंडिया अगर इनका पेटेंट नहीं कराएगी तो कोई और करा लेगा, तो वो थोड़ी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। बायो पायरेसी में भी ऐसा ही है, देखो बायो मतलब बायो रिसोर्सेज, पायरेसी मतलब बिना परमिशन के यूज करना, मतलब बायो रिसोर्सेज का बिना परमिशन के यूज करना, है ना। कोई भी मान लो बहुत बड़ी कंपनी आई किसी छोटे से देश में, है ना, किसी अंडर डेवलप्ड देश में आई और उनके बायो रिसोर्सेज का बिना परमिशन के यूज करने लगी, तो इसी को बोलते हैं बायो पायरेसी। कुछ मिला के इनको चोरी बोल सकते हो आप, ठीक है। अब ये एक एनसीईआरटी में छोटी सी बात लिखी हुई है कि इंडियन पार्लियामेंट में, मतलब भारत की पार्लियामेंट में सेकंड अमेंडमेंट हुई है, किसमें, इंडियन पेटेंट बिल में, इंडिया का जो पेटेंट बिल है उसमें सेकंड अमेंडमेंट हुई है, ठीक है। ये अपना